Hello viewers, in today's session we would be discussing how we can proceed for division if we have the divisor being 99999999 means repeated agar 9 ke pattern hai to hum divisibility kaise kar sakte hain. See, when we talk about divisibility here in today's session we would be discussing in context to osculation because see agar hum divisibility ki baat karte hain to hum kya check kar rahe hain whether the given number is divisible that by that particular value or not. So that can be easily checked using the concept of osculation, and when we talk about osculation we can have two possibilities. Either we can work with a positive osculation or with a negative osculation. Jab hum positive osculation ki baat karte hain to there the number ends with 9 and there we are supposed to use ekadhiken purven. इसका मतलब अगर हमारा कोई भी जो divisor है 9 के patterns में है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ekadhiken purven use करेंगे and that particular factor would be used as a positive osculative factor. Second possibility है अगर हमारा number जो है वो 1 से end हो रहा है so that gives us a sign that okay this is the concept where we can actually apply the negative osculator. और negative osculator के case में हमारा जो value हो जाएगा वो 3 हो जाएगा. So this is the basic about osculation. अगर आपको और भी details चाहिए so definitely you can visit my earlier videos regarding what is osculation, what are the different types, हम osculation की values कैसे calculate कर सकते हैं, हम किन situations में positive osculation use करते हैं या किन situations में negative osculation use करते हैं. उसी डिस्कशन को हम आज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अगर हमें डिवीजन करना है टिपिकली विद द रिपीटेड वैल्यूज ऑफ 9 तो हम उसमें ऑस्किलेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं. इससे पहले भी मैंने 9 के साथ डिविजिबिलिटी शेयर किया था बट आई टेल यू अ मोर बेटर वे ऑफ डूइंग द सेम प्रॉब्लम. ओके एंड आई विल आल्सो शेयर द मल्टीपल सॉल्यूशन जिससे हम ये मेक आउट कर सके कि व्हाई दिस मेथड इज बेटर एज आई एम डिस्कसिंग ऑफर टुडे. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. हमने यहाँ लिया है 9801 डिवाइडेड बाय 99. ओके नाउ हियर फर्स्ट वी नीड टू मेक आउट कि हम पॉजिटिव ऑस्किलेशन यूज करेंगे कि नेगेटिव ऑस्किलेशन यूज करेंगे. द लॉजिक बिहाइंड पॉजिटिव ऑस्किलेशन में हमारा क्या वैल्यू एंड होना चाहिए 9 से एंड होना चाहिए. सो लॉजिकली दैट विल बी द चॉइस वाई वी वुड बी गोइंग फॉर अ पॉजिटिव ऑस्किलेशन. नौ जब हम पॉजिटिव ऑस्किलेशन की बात करते हैं तो हमने ये तो मेकआउट कर लिया कि हमारा लास्ट डिजिट जो है वो 9 सेंड कर रहा है तो हम ऑब्वियसली पॉजिटिव ऑस्किलेशन यूज़ करेंगे. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम्स विथ कि अगर हमें पॉजिटिव ऑस्किलेशन यूज़ करना है तो वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव ऑस्किलेटर. अगर पॉजिटिव ऑस्किलेटर की वैल्यू अगर हम कंसिडर करते हैं तो वी हैव वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि हम ये 9 को हटा दें और हम ये वाला 9 जो है वो पॉजिटिव ऑस्किलेटर के लिए यूज़ करें, ekadhiken purven यूज़ करें और हम अपने पॉजिटिव ऑस्किलेटर की वैल्यू हम 10 कैलकुलेट कर लें. नाउ हियर व्हाट वी कैन डू इज दैट हम कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स कि आप प्लीज़ मेरे पहले के वीडियोज़ देख लीजिए ताकि हमें पता चल सके कि हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं. नाउ व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड हमने एक 9 स्किप किया है बिकॉज वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव ऑस्किलेशन. ओके तो हम यहाँ एक एक नंबर्स की वैल्यू लेकर उसको स्प्लिट करेंगे. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू हमारे पॉजिटिव ऑस्किलेटर की वैल्यू 10 है प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 10 10 10 प्लस 0 इज 10 10. अब यहाँ इसको हम स्प्लिट करके यूज़ कर सकते हैं. मैं इसको और इसको अलग स्प्लिट कर लूँगी सो आई टेक इट एज 10 जीरोज़ आर 0 0 प्लस 1 इज 1 8 प्लस 1 इज 9 10 नाइन्स आर 90 90 प्लस 9 इज 99. ओके तो इसका मतलब कि हमारा जो लास्ट वैल्यू है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 99 एंड 99 इज डिविजिबल बाय द गिवन डिविजर. ओके हेंस वी कंक्लूड इट इज़ ट्रू कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है हमारा 99 से डिविजिबल है. बट जब हम इस पर्टिकुलर स्टेप में देख रहे हैं तो हमारे कितने कैलकुलेशंस हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब टोटल हमारे 6 स्टेप्स में हमारा कैलकुलेशन हो रहा है. नाउ व्हाट वी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कि अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करना चाहें तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन गो फॉर ऑप्टिमाइजिंग. एंड हाउ वी कैन एक्चुअली गो फॉर ऑप्टिमाइजिंग इज दैट कि यहाँ पर हमारा जो डिविजर है दैट इज़ 99
सो इंस्टेड ऑफ लीविंग डाउन अ सिंगल लाइन हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को छोड़ देंगे. ओके और अगर दोनों लाइन को छोड़ेंगे तो यहां पर हमारा एकाधिक इन पूर्वेंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, 0+1 दैट इज इक्वल टू 1. इसका मतलब अब हमारे पॉजिटिव ऑस्किलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय लीविंग बिहाइंड 2 नाइंस. ओके सो लेट्स सी कि हाउ द कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट. देखिए जब हमने फर्स्ट केस लिया था तो हमारे पॉजिटिव ऑस्किलेटर की वैल्यू 10 थी और हमारे यहाँ 6 स्टेप्स थे. लेट्स सी अगर हमारा पॉजिटिव ऑस्किलेटर की वैल्यू 1 होती है तो हाउ इट इज़ डिफरेंट. अब क्योंकि हमने यहाँ 2 नाइन छोड़े हैं और वी हैव स्किप 2 नाइन्स, वी हैव टू टेक अ पेयर ऑफ डिजिट्स. तो हम क्या करेंगे, हम राइट हम लिखेंगे 9801. आई स्टार्ट विद द पेयरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड. सो दे हैव इट हैज़ टू बी टेकन एज 98 विल बी पेयर टुगेदर एंड 01 विल बी पेयर टुगेदर. तो मैंने इसको लिख दिया 9801 पॉजिटिव ऑस्किलेशन है. वी डोंट हैव टू चेंज द साइन. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव ऑस्किलेटर वैल्यू, 1. दिस विल बी प्लस 1 1s are 1, 98 plus 1 is 99 and 99 is divisible by the given divisor 99. Hence this condition is true. So just you can make out ki pehle hamara jo calculation tha wo do steps mein tha and in this particular step agar hum pairing ki baat kar rahe hain to jahan humne 99 ko skip kiya jiski wajah se 0 plus 1 hame 1 mil gaya. This is the first thing. Now what we कंपेयर इज दैट यहाँ पर हमारे पॉजिटिव ऑस्किलेटर की वैल्यू 10 थी और यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, 1 है. लॉजिकली अगर आप 10 से कैलकुलेशन करेंगे सो दैट इज गोइंग टू बी लेंथी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वैल्यू ऑफ 1. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर हम 10 का पॉजिटिव ऑस्किलेटर वैल्यू यूज कर रहे हैं सो वी आर हैविंग 6 स्टेप्स, जबकि अगर हम इस 1 की वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं तो वी आर फाइंडिंग दैट वी आर सपोज टू हैव ओनली 2 स्टेप्स. सो ऑब्वियसली हम क्या कंक्लूड करते हैं कि इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग ओनली अ सिंगल स्किपिंग ऑफ अ सिंगल लाइन वी वुड बेटर प्रिफर कि हम दोनों 99 को स्किप कर दें सो दैट वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ 0 और उसके अकॉर्डिंग हम अपने नंबर्स की पेयरिंग यूज कर लें. द ओनली थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट क्योंकि हमने दो 99 स्किप किए हैं और 0 पर एकाधिक इन पूर्वेंड यूज किया है तो यहाँ पर भी हम नंबर्स का पेयर का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे. ओके सो फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव आइडेंटिफाइड दैट इट इज फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी. सो इसमें हम ये मेक आउट कर रहे हैं कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नाइन्स हम स्किप कर सकें दैट विल बी बेटर इनफ. ओके नाउ लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज 999. सो वी हैव 9686304 divided by 999. I'll tell you both the solutions so that you can actually differentiate which one is better. देखिए अब यहाँ पर क्या possibility हो सकती है कि जो अगर हम conventional oscillation method use करें और अगर एक नाइन skip करते हैं, अगर हम एक नाइन skip करते हैं तो हमारे first oscillator की value क्या होगी, 99 plus 1 by using एकाधिक इन पूर्वेंड सो दैट विल बी 100. Now how many values we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मैं आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगी, I'll just help you out कि देखिए कितना लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा. ओके अब हमारा फैक्टर क्या है, 100. सो जस्ट लुक अप इन टू कि ये कितना मुश्किल होते जा रहा है, और मुश्किल तो नहीं है रियली, इट इज़ एक्चुअली टीडियस क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप्स हमारे होंगे. 6 हमारे एडिशन के होंगे, 6 हमारे मल्टीप्लिकेशन के होंगे. दो वी नो दैट इट इज़ रियली सिंपलर क्योंकि हमारा 100 फैक्टर है. सो 4 × 100 is 400, 400 + 0 is 400. अगेन आप 100 का फैक्टर यूज करेंगे, 100 × 0 इज गोइंग टू बी 0 और प्लस 40 कर दिया और ये हो गया 43. फिर हमने किया 100 तो आप ये देख रहे हैं कि ये काफ़ी लंबा हो जा रहा है. सो ऑब्वियसली इतने मल्टीप्लीकेशन हमें करने हैं, ऐड करने हैं, जीरोज रिपीटेड आ रहे हैं, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी आर गोइंग टू कमिट अ मिस्टेक. अब उस चीज़ को हम कैसे
ऑप्टिमाइज करेंगे. एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर हमारे नाइन्स के रिपीटेड पैटर्न कितने हैं, 3 9 हैं. तो अब जब हमें डिविजिबिलिटी विथ 999 करना है, तो वॉट आई डू इज दैट आई स्किप ऑल द 3 9s. एंड इफ आई एम स्किपिंग ऑल द 3 9s, तो हम करेंगे 0+1 बाई यूजिंग एकाधिकेन पूर्वेन, और हमारा ऑस्किलेटर फैक्टर क्या आ जाएगा, 1. द सेकेंड थिंग दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट हमें जो नंबर्स की पेयरिंग लेनी है वो राइट साइड से लेनी है, और कितनी पेयरिंग लेनी है दैट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ नाइन्स वी आर लीविंग ऑफ इन द डिविजर. हमारा डिविजर में हमने कितने 9 छोड़े हैं, 3 9 छोड़े हैं. तो वॉट आई डू इज दैट 9 6 8 6 3 0 4, हमें यहाँ 3 डिजिट्स की पेयरिंग लेनी है, और वी हैव टू टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिजिट्स. सो 3 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स. ओके, पहले वाले में 12 स्टेप्स थे, यहाँ ऑब्वियसली हमारे कम हो जाएंगे. राइट, फैक्टर क्या है हमारा, 1. पॉजिटिव ऑस्किलेशन यूज़ कर रहे हैं, वी हैव टू ऐड अप द वैल्यूज. सिंपल 304 × 1 इज 304. 304 + 686, सो दैट विल बी 990. 1 × 990 इज 990. 990 + 9 इज 999. हमारा आंसर आ गया 999. इफ़ यू लुक अप इन टू द डिविजर, हमारा डिविजर क्या है, 999 है. इट इज़ फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी, हेंस ट्रू. अब आप देखिए कैलकुलेशन हमारा कितना सिंपल है, क्योंकि 1 फैक्टर है, बहुत ज़्यादा इलैबोरेट मल्टीप्लिकेशन नहीं है. सिंपल हमें एडिशन का एक प्रोसेस करना है जो कि सिंपल है. ओके, सो ऑब्वियसली हमारे यहाँ कितने स्टेप्स आ रहे हैं, अगर हम 1 को ले रहे हैं जिसमें कि 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन है, वी आर ओनली गेटिंग 4 स्टेप्स, जिसमें कि 2 हमारे मल्टीप्लिकेशन के हैं और 2 एडिशन के हैं. और क्योंकि हमारा प्रोसेस और भी सिंपल क्यों हो जा रहा है, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर, 1 इज़ द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसकी वजह से हमें एक्चुअली मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ रहा है, हमें सिंपल इस वैल्यू को यहाँ कॉपी कर ले रहे हैं. So this is how we can really differentiate that, okay, why if we are using the positive oscillator with a combination of multiple digits, why it is actually helpful. The second ka bhi humne make out kiya that it is fulfilling the condition of divisibility. Now let's come to the third one. The third is 8 7 0 9 1 2 9 डिवाइडेड बाय 1 1 1 1. ओके, अब क्योंकि आज के हम सेशन में अभी सिर्फ हम पॉजिटिव ऑस्किलेटर पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो व्हाट आई विल डू इज दैट एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो हमारा नंबर है वो 1 से एंड हो रहा है. अगर 1 से एंड हो रहा है तो हमें पता है कि हम पॉजिटिव ऑस्किलेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं. सो वॉट वी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इज हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, सो इट विल कम आउट टू बी 9999. लेट मी टेल यू, यहाँ पर हम नेगेटिव ऑस्किलेशन यूज़ कर सकते हैं, बट बिकॉज इन टूडेज वीडियो वी आर जस्ट फोकसिंग अबाउट पॉजिटिव ऑस्किलेशन वेयर वी आर हैविंग अ रिपीटेड पैटर्न ऑफ 9s. सो दैट इज़ द रीज़न मैंने इसको पॉजिटिव ऑस्किलेशन में कन्वर्ट किया है, वेयर आई एम गेटिंग ऑल 9s. अब ये मेरा हो गया. अब अगर ऑल 9s हो गया है तो what shall I be doing is that I'll identify कि हमारा positive oscillator की value क्या है. अब अभी तक हमने क्या देखा था, जितने maximum number of nines हैं उन सबको club कर दें. तो what I can write it as, I can write it as this way, हम 4 9 को skip कर देंगे. okay, so that will be 0+1, positive oscillator की value क्या हो जाएगी हमारी, 1. अब हमने कितने digits का pairing लिया है, 4 का, तो हम क्या करेंगे, ये 4 हो जाएंगे और ये 4 हो जाएंगे. सो लेट्स राइट इट आउट, वी हैव 0 8 7 0 9 1 2 9. हमारे ऑस्किलेटर वैल्यू क्या है, 1 है. वी हैव 1, दिस इज प्लस,
इट इज़ अ मेयर कोइंसिडेंस कि इंस्पाइट ये 7 digits का है और हमने इसको 8 digit में बना दिया, तो हमारा कैलकुलेशन सिर्फ 2 step में जा रहा है. 1 into this इज 9129. ऐड कर देंगे इसमें हम 870, सो इट विल कम आउट टू बी 9999. और हमारा डिविजर क्या है? 9. अगर आप इसको 9999 का फैक्टर लेंगे स्टिल इट इज़ डिविजिबल, अगर आप 11 का फैक्टर लेंगे स्टिल इट इज़ डिविजिबल. हेंस इट इज़ फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी. एंड व्हाट वी कैन सी, ये हमारा कैलकुलेशन सिंपल 2 steps में हो गया है, और जिसमें हमारा एक एडिशन का है और एक मल्टीप्लिकेशन का है. मल्टीप्लिकेशन का भी हम एक्चुअली बहुत एलैबोरेटली नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना था एंड दैट इज़ नॉट रियली टू मच सिग्निफिकेंट. ओके, सो कोइंसिडेंटली हमने जो तीनों केसेस लिए हैं दे आर फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी यूजिंग द रिपीटेड पैटर्न ऑफ 9. एंड व्हाट वी हैव लर्नड इन टुडेज डिस्कशन इज दैट कि अगर हमारे पास रिपीटेड पैटर्न ऑफ 9s हैं, ओके, सो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट ओके वी आर गोइंग टू यूज पॉजिटिव ऑस्किलेशन. क्यों? क्योंकि अगर हम नेगेटिव ऑस्किलेशन यूज करेंगे तो इट विल बिकम कंपेरेटिवली डिफिकल्ट. सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास रिपीटेड पैटर्न ऑफ 9s हैं तो जितने भी 9s हैं हम सबको एक ही साथ क्लब कर दें, बाकी हमारा जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में बचेगा वो हमारा यहाँ पर बच जाएगा 0. यहाँ पर हम एकाधिकेन पूर्वेण यूज कर लें और हमारा फैक्टर ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी 1, क्योंकि हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ 9s को क्लब कर दिया है, तो अब हमारा फैक्टर क्या बच जाएगा? 1. नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट हमने कितने 9s को हटाया है या कंसिडर किया है वाइल आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव ऑस्किलेटर. तो अगर हमने जितने भी वैल्यूज़ या कितने भी 9 के डिजिट्स को हटाया है उतने की हमें पेयरिंग लेनी है, और जितनी पेयरिंग लेकर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड एडिशन करेंगे. Okay, so in today's session, we have learned how we can go with the divisibility using the concept of positive oscillation for the repeated pattern of 9. And what new thing we have learned is that how we can really optimize aur hum kaise maximum number of 9s ki pairing lekar jo hai hum apne calculation ko aur simplify kar sakte hain. Okay, so thanks a lot. Keep on posting. In case you have a doubt, comment box mein aap definitely share kariye. Please also visit my website. VedicMaxJunction.in for further details, and also you can leave down certain comments so that we can take up the things in the next video as according to your details. Okay, thanks a lot. Keep viewing, keep subscribing my channel. Thank you.